इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि आते हैं 40,000 की प्राइस रेंज में। इन फोन्स में सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन टॉप नॉच मिलने वाले हैं। अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है एक सही स्मार्टफोन चॉइस करने में, क्योंकि जो फोन हमने सिलेक्ट किए हैं वो सभी फोन हाई परफॉर्मेंस, टॉप कैमरा क्वालिटी, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी फोन्स के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और देखेंगे इनके प्रोज एंड कॉन्स। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है Vivo V23 Pro। इस फोन की सबसे खास बात यह है कि यह फोन ड्यूअल फ्रंट कैमरा के साथ आता है। बात करें इसके डिजाइन की तो यह आता है 3D कर्व ग्लास के साथ, बैक पैनल कलर चेंजिंग ग्लास के साथ आता है जो सनलाइट में या फिर यूवी लाइट पड़ने पर कलर चेंज करता है। यह आता है 6.56 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो HDR10 प्लस और 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसमें आता है MediaTek Dimensity 6nm 5G प्रोसेसर जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जिसका अंततः स्कोर 7 लाख के आसपास देखने मिलता है। यह फोन आता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और ड्यूअल फ्रंट कैमरा सेटअप के साथ, 108 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 50 मेगापिक्सल वाइड और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर फ्रंट की तरफ मिलता है। दोनों ही कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह आता है 4300mAh की बैटरी के साथ और इसे चार्ज करने के लिए 44W का फास्ट चार्जर मिलता है। यह आता है LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। इसमें आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल स्टैंडबाय 5G 4G डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 जैसे फीचर्स आते हैं। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विद HDR10 प्लस सपोर्ट, आउटस्टैंडिंग कैमरा सेटअप, डिसेंट परफॉर्मेंस चिपसेट, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स और कलर चेंजिंग बैक पैनल। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो ओनली 90Hz रिफ्रेश रेट आता है, इसमें IP रेटिंग नहीं मिलती, इसमें कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं आती और ये स्लो स्टोरेज टाइप के साथ आता है। यह आता है 8GB 128GB और 12GB 256GB के दो वेरिएंट के साथ। इसके 8GB 128GB के वेरिएंट की प्राइस है 40,000। अगर आप एक बेस्ट फ्रंट कैमरा वाला डिवाइस चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। तो Vivo V23 Pro हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Oppo Reno 7 Pro। ये फोन भी शानदार डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें कर्व डिस्प्ले आता है, इसका बैक पैनल LDA टेक्नोलॉजी डिजाइन के साथ आता है, इसके रियर कैमरा माउंट में LED स्ट्रिप आती है जो नोटिफिकेशन आने पर ग्लो होती है। यह आता है 6.5 इंचेस के फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो HDR10 प्लस और 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आता है MediaTek Dimensity 1200 Max 6nm 5G प्रोसेसर जो एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ आता है, इसका अंततः स्कोर 7 लाख से भी ज्यादा देखने मिलता है। यह आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जिसमें सोनी IMX766 50MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP का माइक्रो सेंसर आता है और फ्रंट की तरफ सोनी IMX709 32MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। ये फोन टॉप नॉच कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। यह आता है 4500mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 65W का फास्ट चार्जर मिलता है। यह आता है LPDDR4X RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ और इसमें 3GB की वर्चुअल RAM भी देखने मिलती है। इसमें इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल स्टैंडबाय 5G 4G डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विद HDR10 प्लस सपोर्ट, एक्सलेंट कैमरा सेटअप, डिसेंट परफॉर्मिंग चिपसेट, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, RGB नोटिफिकेशन लाइट ऑन कैमरा मॉड्यूल और 3GB की वर्चुअल रैम। तो ये इसके प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो ओनली 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, इसमें कोई IP रेटिंग नहीं आती, इसमें माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी नहीं मिलता और इसमें प्रीवियस जनरेशन एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलता है। तो ये इसके कॉन्स। इस फोन का 12GB 256GB का वेरिएंट 40,000 में ही मिल जाता है और ऑफर्स के साथ और भी डिस्काउंट देखने मिलता है। ये फोन बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ आता है जो एक ऑलराउंडर साबित होता है। इसलिए Oppo Reno 7 हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। अब चलते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Motorola Edge 20 Pro। ये फोन आता है बेस्ट कैमरा, टॉप नॉच डिस्प्ले और हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर के साथ। इसमें आती है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 10-bit OLED डिस्प्ले जो HDR10 प्लस और 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही इसमें वाटर रिपेलेंट डिजाइन और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। यह आता है स्नैपड्रैगन 877nm 5G प्रोसेसर के साथ जो हाई परफॉर्मेंस फ्लैगशिप प्रोसेसर है जिसका अंततः स्कोर इस फोन के साथ 7.5 लाख के करीब आता है। यह आता है 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जिसमें 108MP वाइड, 8MP पेरिस्कोप विद 5x ऑप्टिकल जूम और 16MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और सामने की तरफ 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इस फोन में OIS का सपोर्ट मिलता है और इससे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह आता है 4500mAh की बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इसमें LPDDR5 RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है और यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल स्टैंडबाय 5G 4G डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर बात करें इसके प्रोस की तो फुल HD प्लस 10-bit OLED डिस्प्ले, HDR10 प्लस और 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, एक्सलेंट कैमरा सेटअप, हाई परफॉर्मेंस चिपसेट, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट और स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही इस फोन के प्रोस। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो नो IP रेटिंग, नो माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट और ओनली सिंगल RAM स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। इस फोन की 8GB 128GB वेरिएंट की प्राइस है 35,000 जो ऑफर्स के साथ और भी कम हो जाती है। अगर आपको एक प्रोफेशनल कैमरा क्वालिटी, टॉप नॉच डिस्प्ले क्वालिटी और उसी के साथ हाई परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए
चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो मोटो S20 Pro हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है IQ7 Legend। ये फोन आता है हाई परफॉर्मेंस और हाई एंड गेमिंग के साथ। इसमें आती है 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले जो HDR10 प्लस और 120 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। ये आता है स्नैपड्रैगन 888 5nm फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ जो टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जिसका अंतत स्कोर 800,000 से भी ज्यादा आता है। ये आता है 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 48 मेगापिक्सल वाइड, 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो विद 2x ऑप्टिकल जूम और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर आता है, और उसी के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इस फोन में OIS आता है और इसमें 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। या तो 4400mAh की बैटरी के साथ, उसी के साथ 66W का फास्ट चार्जर मिलता है। या तो LPDDR5 RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। इसमें आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है डुअल स्टैंडबाय 5G 4G डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.1 जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की, तो AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट, डिसेंट कैमरा सेटअप, हाई परफॉर्मेंस चिपसेट, 3GB वर्चुअल रैम और वेपर कूलिंग सिस्टम। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो नो IP रेटिंग, नो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और नो माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट। तो ये है इस फोन के कॉन्स। इसके 8GB 128GB के प्राइस है 40,000, जो कार्ड ऑफर के साथ 3700 के आसपास देखने मिलता है। जो लोग एक बेस्ट गेमिंग डिवाइस चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फोन सही चॉइस हो सकता है। तो IQ7 Legend हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है Xiaomi Mi 11T Pro। ये फोन भी आता है शानदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ। इसमें आती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डॉल्बी विजन 10-bit OLED डिस्प्ले जो HDR10 प्लस और 120 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। उसी के साथ इसमें IP53 रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें आता है स्नैपड्रैगन 888 5nm फ्लैगशिप प्रोसेसर, जिसका अंतत स्कोर इस फोन के साथ 800,000 से भी ज्यादा आता है। यह आता है 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 108 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और मैक्रो सेंसर आता है, और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें आपको 8K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। यह आता है 5000mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग के साथ। इसमें आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और इसमें LPDDR5 RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल स्टैंडबाय 5G 4G डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की, तो 10-bit OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट, IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्रोटेक्शन, एक्सेलेंट कैमरा सेटअप और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो इसमें प्रीवियस जनरेशन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आती है और माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये है इस फोन के कॉन्स। इसका 8GB 128GB का वेरिएंट 40,000 के आसपास देखने मिलता है। ये एक परफेक्ट ऑलराउंडर फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो हाई परफॉर्मेंस और फीचर्स के साथ आता है। इसलिए Xiaomi Mi 11T Pro हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि 40,000 की प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।